हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, लिनक्स लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बूटिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लिनक्स बूट प्रोसेस को समझेंगे, उसके स्टेप्स को समझेंगे, मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड बूट लोडर क्या होता है, एंड देन बूट लोडर कैसे वर्क करता है। तो लिनक्स बूट प्रोसेस बेसिकली क्या है? लिनक्स बूट प्रोसेस इज़ द प्रोसीजर फॉर इनिशियलाइजिंग द सिस्टम। सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को इनिशियलाइज करने का प्रोसीजर होता है, जिसे हम कहते हैं बूट प्रोसेस। तो बेसिकली इसको लेमन टर्म्स में कह सकते हैं कि जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के फुल्ली ऑपरेशनल फंक्शनल होने तक जो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं सिस्टम द्वारा, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। उस कंप्लीट ड्यूरेशन को बूटिंग कहते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं डायग्राम है, फ्लो चार्ट में इसके सारे स्टेप्स दिए गए हैं, पावर ऑन से लेके कंप्लीट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आने तक क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले जब पावर ऑन करते हैं सिस्टम को, स्विच ऑन करते हैं, तो उसके बाद जो कंट्रोल जाता है वो बायोस के पास जाता है, जिसे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। बायोस बेसिकली क्या करता है? इट इनिशियलाइजेस द हार्डवेयर इंक्लूडिंग द स्क्रीन एंड कीबोर्ड एंड टेस्ट द मेन मेमोरी। तो बायोस का मेन फंक्शन होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करना और ये चेक करना कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन के लिए रेडी हैं या नहीं है, कोई एरर तो नहीं है कनेक्टिविटी में, कनेक्शन में या वर्किंग में। तो अगर बायोस ये चेक कर लेता है कि ऑल हार्डवेयर इज़ करेक्ट एंड इन फंक्शनिंग मोड प्रॉपरली, तो देन वो कंट्रोल आगे फॉरवर्ड करता है। तो इस पूरे प्रोसीजर को चेकिंग करने के, मेमोरी एंड हार्डवेयर डिवाइसेस को जो बायोस करता है, इसको हम पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट प्रोसीजर रन करता है बायोस द्वारा, जिसे पोस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं इसके बाद बायोस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है MBR। बायोस के बाद फिर MBR इनिशियलाइज होता है। MBR क्या होता है? वो हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर को MBR कहते हैं। डायग्राम में आप नीचे देख सकते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR। सपोज आपके हार्ड डिस्क 3 पार्टीशंस में डिवाइडेड है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। तो पार्टीशन 1 जो होगा उसका जो फर्स्ट सेक्टर होगा वो MBR कहलाता है। तो सिस्टम MBR में सर्च करता है, सर्चेस फॉर ग्रब एंड लोड्स इट इनटू रैम। ग्रब होता है लिनक्स का ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर प्रोग्राम बूटिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको ग्रब कहते हैं। ग्रब को सर्च करता है एंड ग्रब को फिर रैम में, मेमोरी में लोड करता है। वंस द पोस्ट इज कम्प्लीटेड द सिस्टम कंट्रोल पासिस फ्रॉम बायोस टू द बूट लोडर। तो एक बार जब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कम्प्लीट हो गया सक्सेसफुली, तो कंट्रोल पास हो जाता है बायोस से बूट लोडर के पास। बूट लोडर कहाँ होता है? MBR में। MBR द बूट लोडर इज यूजली स्टोर्ड ऑन वन ऑफ द हार्ड डिस्क इन द सिस्टम, आइदर इन द बूट सेक्टर फॉर ट्रेडिशनल बायोस MBR सिस्टम और द EFI पार्टीशन फॉर मोर रिसेंट यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस और EFI UEFI सिस्टम। तो बूट लोडर बेसिकली MBR में पाया जाता है बायोस और MBR वाले सिस्टम्स के लिए, और EFI पार्टीशन में मिलेगा। लेटेस्ट आपके जो पार्टीशनिंग आजकल होती है वो यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस UEFI कहलाती है। तो अप टू दिस स्टेज द मशीन डज नॉट एक्सेस एनी मास स्टोरेज मीडिया। बूट लोडर ग्रब को फाइंड करने तक, यानी कि डायग्राम में 4th स्टेप तक, इस स्टेज तक मशीन किसी भी मास स्टोरेज मीडिया को एक्सेस नहीं करती है। अ नंबर ऑफ बूट लोडर्स एग्जिस्ट फॉर लिनक्स। द मोस्ट कॉमन वंस आर ग्रब एंड ISO लिनक्स। वैसे तो लिनक्स के केस में बहुत से बूट लोडर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन हैं वो है ग्रब या फिर ISO लिनक्स। ग्रब का मतलब ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर एंड ISO होता है रिमूवेबल मीडिया
आईएसओ फाइल्स होती हैं, आपने देखी सुनी होंगी डॉट आईएसओ फाइल्स जो होती हैं। तो लिनक्स केस में आईएसओ फाइल्स किसी रिमूवेबल मीडिया से बूट कराने के लिए होती हैं। जैसे कि अगर किसी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो उस केस में डॉट आईएसओ फाइल को उसमें जो है डॉट आईएसओ फाइल से उसे बूटेबल बनाया जाता है। इसके बाद बूट लोडर के जब रन करता है, बूट लोडर मिल जाता है ग्रब यानी के, देन कंट्रोल ट्रांसफर किया हो जाता है कर्नल के पास, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के पास। उसके बाद जो फंक्शनैलिटी है वो सब कर्नल परफॉर्म करता है। वो देखते हैं हम क्या होता है। बूट लोडर इन एक्शन नाउ। व्हेन बूटिंग लिनक्स द बूट लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द कर्नल इमेज एंड द इनिशियल रैम डिस्क इनटू मेमोरी। तो जब हम लिनक्स को बूट कर रहे होते हैं तो बूट लोडर रिस्पॉन्सिबल होता है कर्नल इमेज को, इनिशियल रैम डिस्क एंड इनिशियल रैम डिस्क को मेमोरी में लोड करने के लिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं बूटेबल हार्ड डिस्क सिस्टम से कंट्रोल आया बूटेबल हार्ड डिस्क में, जहाँ से बूट लोडर था। बूट लोडर ने क्या किया, कर्नल और इनिशियल रैम डिस्क को मेमोरी में लोड किया। तो इट कंटेन्स सम क्रिटिकल फाइल्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स नीडेड टू स्टार्ट द सिस्टम। बेसिकली कर्नल क्या होता है, कर्नल कोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें सारी फाइल्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, एंड इनिशियल रैम डिस्क में भी कुछ क्रिटिकल फाइल्स होती हैं सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, और डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फॉर सिस्टम्स यूजिंग द बायोस एमबीआर मेथड, द बूट लोडर रिजाइड्स एट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क, आल्सो नोन एज एमबीआर। बायोस और एमबीआर टाइप के सिस्टम्स में जो बूट लोडर होता है वो एमबीआर में रिजाइड करता है, और एमबीआर का साइज 512 बाइट्स होता है। सेकेंड स्टेज बूट लोडर रिजाइड्स अंडर स्लैश बूट। तो ये था, ये हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो था फर्स्ट स्टेज बूट लोडर। उसके बाद अब सेकेंड स्टेज बूट लोडर की बात आती है, तो वो कहाँ होता है, स्लैश बूट के अंदर होता है लिनक्स के केस में। स्लैश बूट द स्पैश स्प्लैश स्क्रीन इज डिस्प्लेड विच अलाउज अस टू चूज विच ऑपरेटिंग सिस्टम टू बूट। फर्स्ट स्टेज बूट लोडर रन होने तक आपको एक स्प्लैश स्क्रीन नज़र आती है अगर आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि डुअल बूटिंग है, तो उस केस में स्प्लैश स्क्रीन नज़र आती है, जिससे कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करना है। तो उसके बाद जो ट्रांसफ़र होगा वो सेकेंड स्टेज बूट लोडर के पास कंट्रोल चला जाता है। आफ्टर चूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम द बूट लोडर लोड्स द कर्नल ऑफ द सिलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम एंड पासेस कंट्रोल टू। तो उस जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करते हो तो बूट लोडर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सिलेक्ट किया है उसके कर्नल को रैम में लोड करता है, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में, और कंट्रोल कर्नल को दे देता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं मेमोरी में कर्नल और रैम बेस्ड फाइल्स बूट लोडर द्वारा लोड की गई हैं। इनिशियल रैम डिस्क, अभी तक हमने अभी तक लास्ट स्लाइड में बात की थी कि कर्नल एंड इनिशियल रैम डिस्क को लोड करता है, इनिशियल रैम डिस्क को लोड की जाती है बूट लोडर द्वारा, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में दिखाया गया है। तो देखते हैं इनिशियल रैम डिस्क क्या होता है। द इनिट रैम एफएस, इनिट रैम फाइल सिस्टम इमेज कंटेन्स प्रोग्राम्स एंड बाइनरी फाइल्स दैट परफॉर्म ऑल एक्शंस नीडेड टू माउंट द प्रॉपर रूट फाइल सिस्टम। रूट फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए जो भी एक्शंस हैं उससे रिलेटेड बाइनरी फाइल्स, वो सब इनिट रैम डिस्क के अंदर पाई जाती हैं। लाइक प्रोवाइडिंग कर्नल फंक्शनैलिटी फॉर द नीडेड फाइल सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि नीडेड फाइल सिस्टम के लिए और डिवाइस ड्राइवर्स के लिए कर्नल की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। द माउंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अ फाइल सिस्टम इज रेडी फॉर यूज़ एंड एसोसिएट्स इट विद अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ओवरऑल हायरार्की ऑफ द फाइल सिस्टम। तो बेसिकली माउंट प्रोग्राम क्या करता है, एक फाइल सिस्टम को माउंट करता है किसी एक माउंट पॉइंट पे, ओवरऑल जो हायरार्की ट्री है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें, ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करता है कि फाइल सिस्टम अब माउंट हो चुका है एंड इट इज़ रेडी फॉर यूज़। इफ दिस इज सक्सेसफुल, अगर यहाँ तक
ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होता है, द इनिट रैम एफ एस इज़ क्लियर्ड फ्रॉम रैम। तो इनिट रैम एफ एस रैम से क्लियर कर दिया जाता है। ये जो बेसिकली इसको आप एक तरीके से एक प्रोग्राम समझ सकते हैं, प्रोग्राम या कोड। तो इनिट रैम एफ एस ने माउंट कर दिया फाइल सिस्टम को माउंट पॉइंट पे, एंड कर्नल को इन्फॉर्म कर दिया कि दिस इज़ रेडी फॉर यूज़, एंड उसके बाद उसको रैम से क्लियर कर दिया जाता है। एंड इनिट प्रोग्राम ऑन द रूट फाइल सिस्टम इज़ एग्जीक्यूटेड। और फिर रूट फाइल सिस्टम में जो इनिट प्रोग्राम होता है कहाँ होता है, वो स्लैश एस बिन स्लैश इनिट वो एग्जीक्यूट होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कर्नल एग्जीक्यूट करता है स्लैश एस बिन स्लैश इनिट प्रोग्राम को। इनिट हैंडल्स द माउंटिंग एंड पाइवोटिंग ओवर टू द फाइनल रियल रूट फाइल सिस्टम। तो इनिट फाइनल जो रूट फाइल सिस्टम है उसके माउंटिंग एंड पाइवोटिंग को हैंडल करता है। इट स्टार्ट्स अदर प्रोसेस टू गेट द सिस्टम रनिंग। तो क्या करता है बेसिकली, अदर प्रोसेसेस को, जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेसेस होते हैं, उनको स्टार्ट करता है सिस्टम को रन करने के लिए। अब देखते हैं स्लैश एस बिन स्लैश इनिट एंड सर्विसेज। वंस द कर्नल हैज सेटअप ऑल इट्स हार्डवेयर एंड माउंटेड द रूट फाइल सिस्टम, द कर्नल रन्स द स्लैश एस बिन स्लैश इनिट प्रोग्राम। तो कर्नल जब पूरी तरीके से सेट हो जाता कर लेता है हार्डवेयर को एंड रूट फाइल सिस्टम माउंट कर लेता है, तो वो फिर क्या करता है, स्लैश एस बिन स्लैश इनिट प्रोग्राम को रन करता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। दिस देन बिकम्स द इनिशियल प्रोसेस। ये इनिशियल प्रोसेस बनता है रन होने वाला, विच देन स्टार्ट्स अदर प्रोसेसेस टू गेट द सिस्टम रनिंग। यानी कि इनिशियल मतलब कि फर्स्ट प्रोसेस है जो रन किया जाता है कर्नल द्वारा, इसका काम है फिर अदर प्रोसेसेस को जो ज़रूरी हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करना। कन्वेंशनली द सिस्टम पासिस थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ रन लेवल्स कंटेनिंग कलेक्शंस ऑफ स्क्रिप्ट दैट स्टार्ट एंड स्टॉप सर्विसेस। तो कन्वेंशनली ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम सीक्वेंस ऑफ रन लेवल्स के थ्रू पास होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रन लेवल्स से गुजरता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। जो रन लेवल्स क्या हैं, कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स। रन लेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्क्रिप्ट्स का कलेक्शन होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए। ईच रन लेवल सपोर्ट्स अ डिफरेंट मोड ऑफ रनिंग द सिस्टम। सिस्टम को रन करने के लिए एक अलग मोड के लिए एक अलग रन लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। विद इन ईच रन लेवल इंडिविजुअल सर्विसेज कैन बी सेट टू रन और टू बी शट डाउन इफ रनिंग। तो एक रन लेवल के अंदर सेट ऑफ सर्विसेज होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल सर्विसेज होती हैं जो कि रन करती हैं या फिर शट डाउन और टू बी शट डाउन इफ रनिंग, या फिर शट डाउन की जाती हैं अगर रन कर रही हैं। तो ये होता है बेसिकली रन लेवल का वर्क, जिसको मैं आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में रन लेवल को डिटेल में डिस्कस करूँगी, कितने तरीके के रन लेवल्स होते हैं, उनका क्या क्या कार्य होता है। बिसाइड्स स्टार्टिंग द सिस्टम, इनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द सिस्टम रनिंग एंड फॉर शटिंग इट डाउन क्लियरली। तो इस सिस्टम को स्टार्ट करने के अलावा इनिट रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम को रन करने के लिए और उसको क्लीनली शट डाउन करने के लिए। ये पूरा कार्य इनिट प्रोसेस का होता है। इट एक्ट्स एज द मैनेजर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फॉर ऑल नॉन कर्नल प्रोसेसेस, क्लीनिंग अप आफ्टर दैम वेन नेसेसरी एंड रीस्टार्ट यूजिंग लॉग इन सर्विसेज एज नीडेड वेन यूजर्स लॉग इन एंड आउट। बेसिकली यह लास्ट रिजॉर्ट मैनेजर की तरह काम करता है नॉन कर्नल प्रोसेसेस के लिए, बेसिकली यूजर बेस्ड प्रोसेसेस के लिए ये लास्ट रिजॉर्ट मैनेजर होता है। जैसे कि अगर यूज़र बेस्ड प्रोसेसेस को, यूज़र्स को लॉग इन करना है, उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं की ज़रूरत है, लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है, देन इनिट का रोल आता है। तो यहाँ तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद, जब स्लैश एस बिन स्लैश इनिट सभी सर्विसेज को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता है, प्रोसेसेस को स्टार्ट कर देता है, तो उसके बाद सबसे पहले टेक्स्ट मोड लॉगिन में सिस्टम एंटर करता है नियर द एंड ऑफ द बूट प्रोसेस। इनिट इनेबल्स यू टू टाइप योर यूजर नेम फॉलोड बाई पासवर्ड एंड टू इवेंचुअली गेट ए कमांड शेल। तो बूटिंग प्रोसेस जब एंड हो रहा है लास्ट में, तो इनिट क्या करता है, एक आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है, एंड जिसके बाद कमांड शेल
ओपन हो जाती है, जिसे बैश शेल भी कहते हैं। ये टेक्स्ट मोड लॉगिन होता है। द शेल प्रिंट्स अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट इंडिकेटिंग इट इज़ रेडी टू एक्सेप्ट कमांड्स। शेल आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता है, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट अवेलेबल होता है शेल के अंदर, जो कि इंडिकेट करता है कि कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आफ्टर द यूजर टाइप्स द कमांड एंड प्रेसेस एंटर, द कमांड इज़ एग्जीक्यूटेड एंड अनदर प्रॉम्प्ट इज़ डिस्प्लेड आफ्टर द कमांड इज़ डन। इस तरीके से ये वर्क करता है कि जब आप कमांड, यूज़र कमांड उसमें टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो कमांड एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद फिर से प्रॉम्प्ट आ जाता है। द टर्मिनल्स विच रन द कमांड शेल्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द ऑल्ट की प्लस अ फंक्शन की। ऑल्ट और फंक्शन की का यूज़ करके टर्मिनल को एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें कि जो कि कमांड शेल को रन करता है। मोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट 6 टेक्स्ट टर्मिनल्स एंड 1 ग्राफिक टर्मिनल स्टार्टिंग विद F1 और F2। तो ज़्यादातर जो लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो 6 टेक्स्ट टर्मिनल्स स्टार्ट करते हैं और एक ग्राफिक टर्मिनल GUI टर्मिनल जो कि F1 और F2 से स्टार्ट होते हैं। यू मे नीड टू रन द स्टार्टक्स कमांड इन ऑर्डर टू स्टार्ट और रिस्टार्ट योर डेस्कटॉप आफ्टर यू हैव बीन इन प्योर टेक्स्ट मोड। अगर आपने प्योर टेक्स्ट मोड में लॉग इन किया है तो स्टार्टक्स कमांड रन करने से ग्राफिकल डेस्कटॉप को स्टार्ट और रिस्टार्ट किया जा सकता है। तो ये थी डिटेल अबाउट द बूटिंग प्रोसेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।